हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल बी पॉजिटिव विद प्रिया। फ्रेंड, मैं आज एक पार्टी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो अब वेडिंग सीजन में वेडिंग गेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो, या कहीं भी आना जाना हो उसके लिए भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। सो पहले जल्दी शुरू करते हैं। लुक क्रिएट करने से पहले फर्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी वाला टोनर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये टोनर बहुत अच्छा है। फिर मैं नेक्स्ट बायोटेक का जो डांडिया सीरम है, सो वो वाला सीरम मैं यूज़ करने वाली हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया सीरम। सीरम अप्लाई अच्छे से कर लिया। सीरम अप्लाई करने से अपना आपका मेकअप फेस जो है बहुत स्मूथ रहता है। सो सीरम लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बायोटेक का ये जेल, बायोटेक का जो जेल है ये अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर के हिसाब से। आप गर्मी के टाइम, इसलिए मैंने ये जेल यूज़ किए। आप कोई भी मॉइस्चराइजर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है मेकअप से पहले। यह बायोटेक का फ्रूट लिप बाम, मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट जो है प्राइमर, यह है NYV का प्राइमर। मैं अब प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो। वैसे ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा प्राइमर है। ये है फाउंडेशन वेट एंड वेट का, ठीक है। फाउंडेशन ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसका कवरेज बहुत अच्छा है। तो मैं फाउंडेशन लगा लूँगी। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर वेट करके सब भिगा के पानी में, तो वो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बेस जितना अच्छा आपका रहेगा, आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा टाइम स्टे करेगा, उतना ही फ्लॉलेस दिखाई देगा, तो उतना ही सुंदर आएगा आपका। सो आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने एक साइड ब्लेंड कर लिया। इसका ये वाला जो फाउंडेशन है, इसका कवरेज आप देख सकते हो, हाई कवरेज है, बहुत अच्छा कवरेज है। जैसे आप देख सकते हो मेरा दोनों साइड। यह है NYV का कंसीलर, जो मैं कंसीलर अपने आईलिड पे पूरा अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। दोनों आईज पे, आईलिड पे हम कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यह है मिलानी का आईब्रो पैलेट। पहले मैं एक स्पूली से अपना आईब्रो को कॉम कर लूँगी, उसके बाद एक लाइट ब्राउन शेड पिक करूँगी। पिक करके एक एंगुलर ब्रश की मदद से अपना आईब्रो को फिल कर लूँगी, अच्छे से ठीक से शेप देने के बाद फिल कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों आईब्रो को फिल कर लूँगी। करने के बाद फिर एक बार और अच्छे से कॉम कर लूँगी। फिर NYV का जो कंसीलर है उसके मदद से मैं जो इधर उधर जो फैला हुआ है, एक्स्ट्रा जो फैल गया है, वो मैं कवर कर लूँगी अच्छे से। ऐसे कंसीलर से आईब्रो को करेक्ट करने से जो भी मिस्टेक होता है बहुत अच्छे से लुक उभर के आता है। जो बिगिनर्स है इसके लिए, उन लोगों के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद टिप्स है। सो नेक्स्ट में पर्पल का काजल आईलाइनर का जैसे लगाकर उसको स्मज करके आई शेडो क्रिएट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्मोकी आईज जैसा
थोड़ा सा लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई शेडो पैलेट से मैं ब्लैक कलर का शेड लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन पे। तो क्रीज लाइन बिल्डअप करने के बाद मैं अपना आई शेडो, जो मेरा कंप्लीट आधा हो गया, सो अभी इसके ऊपर गोल्डन कलर लेके उसके ऊपर आई लिड के ऊपर मैं क्रिएट कर रही हूँ। फिर मैं आई लैश कर्लर से अपना आई लैश को कर्ल कर लूँगी। इससे आई लैश में थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है, अच्छा है, बिना आई लैश के भी चल जाता है। सो नेक्स्ट में यहाँ पे NYB का आई लाइनर है, ये बहुत एफोर्डेबल प्राइस में भी है, तो बिगिनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आई लाइनर क्रिएट कर लिए हैं, सो देख सकते हो आप फ्रेंड। अभी नेक्स्ट में यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये है ब्लू हेवन का वाटर प्रूफ मस्कारा। मैं ऊपर एंड लोअर दोनों आई लैश पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। मैं आज आई लैश नहीं यूज़ कर रही हूँ, फेक आई लैश नहीं यूज़ कर रही हूँ, सो इसलिए। इसके बाद मैं NYB का ग्रीन कलर जो आई पेंसिल है वही अपना लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लिए। उसके बाद एक लाइट ब्राउन कलर शेड आई शेडो का लेकर अपना लोअर पे थोड़ा सा लोअर वाटर लाइन पे नीचे स्मच करके, अच्छे से स्मच करके दूंगी। अब मैं NYB का वही वाला कॉन्सीलर अपना डार्क सर्कल हाइड करने के लिए, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए जिस जगह पे, उस पॉइंट पे हाईलाइट पॉइंटर जो है फेस पे, उस पे उस जगह पे ही मैं कॉन्सीलर अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्सीलर अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से उसको ब्लेंड कर लूँगी। ये SQ का लूज पाउडर, सेटिंग पाउडर, इससे अब मैं अपना मेकअप को सेट कर लूँगी अच्छे से। अब मैं आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर लोअर वाटर लाइन के नीचे मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो स्मच कर दूंगी। यह एवन का ब्रॉन्जर, ब्रॉन्जर की मदद से चीक एरिया पे और नोज पे, चिन एरिया पे थोड़ा सा कंटूर कर लूंगी, फॉरहेड पे भी।
पीच टाइप कलर्स लेके मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। सो मैं दोनों चिक पे ब्लश लगा लूँगी। अब मेरा यहाँ पे शिबाना का हाइलाइटर है, नोज ऑफ द ब्रिज पे हाइलाइटर, ब्रो बोन पे, चिक एरिया पे, हाई पॉइंट जहाँ पे है मैं क्यूपिड बो पे, फिर हाईलाइट जहाँ पे हमको करना है हाईलाइट जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे मैं हाईलाइट कर लूँगी। मैंने जो लिप बम लगाया था वो मैं क्लीन कर लूँगी। करने के बाद अब मैं दोनों शेड, एक है ब्लू हेवन का, एक है NYV का, दोनों शेड मिक्स करके अपना लिप पे अप्लाई करूँगी। अब मैं सेटिंग स्प्रे के मदद से अपना मेकअप को सेट कर लूँगी, देन उसको डैप डैप करके थोड़ा सा सेट कर लूँगी। सो मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट है फ्रेंड। सो मेरा यहाँ पे पार्टी लुक क्रिएट मैंने कर लिया है, मेरा पार्टी लुक रेडी है। सो गाइस आप भी ऐसे ही रेडी हो सकते हो, ये ऐसा लुक आप भी क्रिएट कर सकते हो इजी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही। सो मेरा वीडियो फ्रेंड अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब।